हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल टेक माइंड पे पुनः बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही यूज़फुल वीडियो लेके आया हुआ हूँ, तो प्लीज़ आप अंत तक बने रहिए, क्योंकि ये ऐसा वीडियो है जिसको देखने के बाद कुछ नए जो यूट्यूबर बनना चाहते हैं या नए जो यूट्यूब के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। तो इसलिए दोस्तों आप मेरे साथ बने रहिए। एक्चुअली मैं ऐसा एक एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही यूज़फुल है। तो चलिए दोस्तों मैं शुरुआत करता हूँ, और मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको लास्ट तक देखने के बाद पसंद आए तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, ताकि आपको नए नए मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो पहुँचता रहे, क्योंकि मैं नए नए वीडियो जो बहुत ही यूज़फुल होता है दोस्तों मैं लेके आते ही रहता हूँ। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो है कि हम लोग कोई भी जैसे कि एप्लीकेशन या कोई भी जो है वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, तो हम लोग स्क्रीन का रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं। बहुत से लोगों के मन में सवाल रहता है कि ये बिना हाथ ऐसा दिखाए, जो उंगली वगैरह जो होता है, जनरली हम लोग वीडियो बनाते हैं कोई भी एप्लीकेशन के बारे में बताते हैं या कोई भी और प्रोसेस बताते हैं, तो जनरली वो टच होता है। तो ऐसा ये एक्चुअली ऐसा मैनुअल अगर रिकॉर्डिंग किया जाए तो उस पर पड़ता है, बट हम लोग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके थ्रू अगर ऐसा रिकॉर्डिंग करें तो उस पर ऐसा कुछ निशान ही नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों मैं इसमें दिखाना चाहूँगा। एक्चुअली होता क्या है, जब हम कोई भी ऐसा रिकॉर्डिंग करते हैं तो इस पे एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ती है जो स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सके, तो जिसका नाम होता है जनरली दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर होता है। अब ये स्क्रीन रिकॉर्डर हमारे पास ऐसे बहुत सारे टाइप के आते हैं जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएंगे, बट इस पर सबसे ज़्यादा यूज़फुल होने वाला या बहुत यूज़फुल होने वाला कौन कौन सा एप्लीकेशन है मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, बट ऐसा है कि आपको एक से बढ़ के एक एप्लीकेशन के बारे में पता चल जाएगा जो स्क्रीन को रिकॉर्ड करता होगा। तो चलिए दोस्तों मैं बिना टाइम वेस्ट किए ही अब ये अपना वीडियो की शुरुआत करता। तो इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले दोस्तों, अगर हमको स्क्रीन को जैसे मैं ये कर रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, ये सारा रिकॉर्डेड हो रहा है, तो इसको रिकॉर्डिंग करने के लिए हम जनरली एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं, तो ये एप्लीकेशन स्क्रीन रिकॉर्डर के नाम से जाना जाता है। अब स्क्रीन रिकॉर्डर अगर सर्च करें तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं कि जनरली मैं मोबीजेन या डी यू रिकॉर्डर यूज़ करता हूँ, या आई रिकॉर्डर है मेरे पास, स्क्रीन रिकॉर्डर करके भी है, तो ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन है जो आपको मिल जाएगा, वी रिकॉर्डर आता है। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे करना होता है। सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए प्ले स्टोर पे जाना पड़ेगा, प्ले स्टोर पे हमको सर्च करना पड़ेगा जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर करके। तो स्क्रीन रिकॉर्डर पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर करेंगे हम लोग, स्क्रीन रिकॉर्डर यहां पर, जैसे यहाँ पर मैं स्क्रीन रिकॉर्डर क्लिक किया, यहाँ पर देखिए पूरा लाइन से स्क्रीन रिकॉर्डर का ही ऑप्शन आ गया है। बट हमको इसमें से जनरली चूज़ करना होता है कि कौन सा स्क्रीन रिकॉर्डर बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, हमको जनरली जो मैं यूज़ करता हूँ वो मोबीजेन हो गया, जो मोबीजेन करके आता है, और उसके अलावा स्क्रीन रिकॉर्डर नो एट करके है जो मैं ऑलरेडी यूज़ करता हूँ, और इसके अलावा डी यू रिकॉर्डर होता है, डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर होता है, और आई स्क्रीन रिकॉर्डर भी है मेरे पास, वी स्क्रीन रिकॉर्डर भी है, तो ऐसे बहुत सारे रिकॉर्डर है। तो चलिए दोस्तों मैं सबका एक एक करके आपको अपडेट करते जाता हूँ। तो दोस्तों हम लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ कि यहाँ प्ले स्टोर पर जाएंगे, अगर हम लोग मोबीजेन स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करेंगे तो यहाँ पर मोबीजेन करके लिख लेंगे, इसके बाद ऑलरेडी यहाँ पर दिखाने लगेगा। जैसे ही मोबीजेन किए, यहाँ पर सबसे ऊपर में दिखाएगा मोबीजेन स्क्रीन रिकॉर्डर, इसको आपने क्लिक करना है, फिर यहाँ पर मोबीजेन स्क्रीन रिकॉर्डर रिकॉर्ड कैप्चर एडिट ये करके दिखा रहा है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरे में ऑलरेडी ये ओपन दिखा रहे क्योंकि इंस्टॉल हो चुका है। इसके अलावा आपके पास डी यू स्क्रीन रिकॉर्डर करके आएगा, ये मैं सर्च कर लेता हूँ, तो यहाँ पर से ये आप देखिए यहाँ पर ऊपर में आ जाएगा 2020 जो 2020 का है, और इसके अलावा यहाँ पर आई रिकॉर्डर भी है, आई रिकॉर्डर यहाँ पर यूज़ कर लेना है। यहाँ पर देखिए सबसे ऊपर भी दिखा रहा है, तो यहाँ पर से ये ऑलरेडी मेरे में इंस्टॉल हो चुका है दोस्तों। तो HD जो स्क्रीन रिकॉर्डर वीडियो रिकॉर्डर करके आ रहा है, आई रिकॉर्डर, ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। और इसके अलावा इस नॉर्मल स्क्रीन रिकॉर्डर नो एट करके आता है, ये भी बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो ये सेकेंड नंबर पे दिखा रहा है, ये भी मैं ऑलरेडी इसको इंस्टॉल कर चुका हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं अब सब के बारे में एक एक करके बताते जाता हूँ। दोस्तों मैं यहाँ पर सबका एक एक बार सेटिंग बता देता हूँ। एक्चुअली देखिए मैं सबसे पहले अपना जो एप्लीकेशन है इसका शुरुआत करता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मैं इस आई रिकॉर्डर को ओपन करता हूँ। जैसे ही आई रिकॉर्डर मैं क्लिक किया, यहाँ पर ये ओपन होने लगेगा। अब
देखिए दोस्तों ये ओपन हो रहा है, इसके बाद इसके सेटिंग पे हमको जाना है। सेटिंग पे एक्चुअली होता क्या है कि कुछ कुछ सेटिंग हमको जो करना पड़ता है, जैसे कि रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन। यहाँ पर रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन दोस्तों आप सबसे ज़्यादा जो है 2K, उसके नीचे 1080p पे है, उसके बाद 720p पे है, 480। तो आप जितना ज़्यादा जो चूज़ करेंगे उतना ही ज़्यादा वीडियो का रिकॉर्डिंग रिजोल्यूशन जो है वो सबसे अच्छा आएगा। इसके बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद और अगर ये VIP कैटेगरी का दिखा रहा है, इस पे नहीं आएगा, तो यहाँ पर हमको फ्री वॉच करके देख लेंगे। और उसके बाद देखिएगा आपको शुरू में होता क्या है, इसका कुछ अमाउंट रहता है जो मंथली के हिसाब से रहता है या फिर पर ईयर के हिसाब से रहता है, अलग अलग चार्जेस रहता है। अगर आपको 2 से 3 टाइम यूज़ करना है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए जैसे हम लोग रिजोल्यूशन चूज़ किए, यहाँ पर दिखाने लगा ज्वाइन VIP नाउ करके, इसको क्लिक करेंगे तो पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अदरवाइज़ यहाँ नीचे में दिया हुआ है वॉच एड ट्रेन ट्राई फॉर फ्री, तो इसको कर देना है। इसके बाद वीडियो चलने लगेगा, एड चलने लगेगा, फिर हमारे लिए ये फ्री में रिकॉर्डिंग के लिए आ जाएगा। तो हम लोग ऐसा कुछ समय के लिए 1-2 बार यूज़ कर सकते हैं फ्री पे, उसके बाद हमको पे करना पड़ेगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये जो वीडियो के लिए एड है वो चलने लगा था, इसको हो गया। अब मैं इसको कट कर देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पर से चूज़ कर लेंगे तो ये यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखिए वीडियो बीट रेट दिया हुआ है, इसको हम लोगों को जनरली जितना आप ज़्यादा MBPS का वीडियो बीट रेट लेंगे तो उतना थोड़ा सा जो वीडियो का स्टोरेज है वो थोड़ा एक्सेस होगा, बट क्वालिटी जो है ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा अब यहाँ पर से आप देख लीजिए FPS दिया हुआ है, ये स्मूथ वीडियो मोशन अपीयर्स होता है इस पर। तो आप जितना इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे बट थोड़ा सा इसका जो वीडियो का MBA होता है रिकॉर्डिंग का वो बढ़ जाएगा। तो इसको आप देख के रख सकते हैं 50 पे 30 पे वैसे रख सकते हैं। और यहाँ पर से और नीचे दिया हुआ है वाटर मार्क का, तो वाटर मार्क का नो भी कर सकते हैं ताकि यहाँ पर से जो यहाँ हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं तो साइड में आता है इसका साइन, तो ये आता है तो इसके लिए। बट इसके लिए भी कुछ चार्जेस रहता है, 3 डे फ्री ट्रायल भी है इसके अलावा, बाकी मंथली के हिसाब से रहता है और ईयरली के हिसाब से भी रहता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर से और देखिए काउंट डाउन का भी है, काउंट डाउन का हम लोग 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के लिए भी रख सकते हैं। अब जनरली मैं यहाँ पर 3 सेकेंड का या 5 सेकेंड का रखता हूँ, तो इसको मैं 3 सेकेंड कर दिया। अब यहाँ पर से सेव का लोकेशन दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट, ये सारा ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन दिया हुआ है, फ्रंट कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है। तो ये आई रिकॉर्डर जो है आपने यूज़ कर लेना है, बहुत अच्छा ये एप्लीकेशन है दोस्तों। मेरा जो सेकेंड एप्लीकेशन है वो जनरली ये मोबीजेन है। मोबीजेन मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मैं जैसे ही इसको ओपन करता हूँ मोबीजेन का जो है ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स दिए हुए हैं, तो जनरली कुछ कुछ तो मेजर से ज़्यादा सेटिंग्स है जो ज़रूरी सेटिंग्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दोस्तों मेरा ये मोबीजन भी ओपन हो गया है इस पर, तो इसमें हमको सेटिंग पे जाना है। यहाँ पर से देखिए शुरू वीडियो है, सबसे ऊपर में जाएंगे तो राइट साइड में सेटिंग का साइन मार्क दिया हुआ है, तो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर जाना रहेगा हमको वीडियो सेटिंग। वीडियो सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, ये रिजोल्यूशन का दिया हुआ है 720p पे रख सकते हैं HD, उसके बाद 480 360, तो बट हम लोगों को 720 पे रखना है, ज़्यादा वीडियो क्वालिटी आएगा। इसके बाद क्वालिटी पे क्लिक करना है, ये जो है 5.0M 6.0M, तो जनरली इसको 6.0M पे भी रख दीजिए। FPS है, FPS पे भी जो होता है हाई स्मूथ जो वीडियो विल प्ले स्मूथर विल हाईर फ्रेम रेट पे दिया हुआ है, तो इसको मैं 60 या 50 पे भी रखता हूँ, तो आप ऐसा रख सकते हैं दोस्तों। और यहाँ पर फेस कैम भी है, इसको डिसेबल करिएगा। यहाँ काउंट डाउन भी है, 4 सेकंड 5 सेकंड का ले सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज बात है, यहाँ पर फेस कैम को इनेबल करेंगे तो यहाँ पर फेस हमारा सर्कल पे या स्क्वायर पे भी आ जाएगा। तो जनरली मैं दोस्तों आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था कि कैसे हम लोग कौन कौन से एप्लीकेशन से स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ करते हैं, तो इसलिए मैं इसको पूरा सेटिंग नहीं बता रहा हूँ, बट मैं आगे जो वीडियो पे है वो ज़रूर बताऊँगा। सभी एप्लीकेशन का अलग अलग जो है सेटिंग्स बताऊँगा। इसके अलावा देखिए मैं स्क्रीन रिकॉर्डर की बात करता हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डर यहाँ पर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पर से हम लोग स्क्रीन को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर से जैसे जाएंगे यहाँ पर से अलाउ परमिशन कर देना है, उसके बाद ये ओपन होने लगेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर सेटिंग का भी ऑप्शन यहाँ पर भी दिया हुआ है, सेटिंग पे जाने के लिए ये सेटिंग का ऑप्शन। तो जैसे ही मैं सेटिंग पे गया यहाँ पर देखिए
यहाँ पर भी सारा ऑप्शन दिया हुआ है, शेव कैसे करना है, रिजोल्यूशन किस पे करना है, तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बना के लाऊंगा सभी एप्लीकेशंस का। बट मैं अभी तो फ़िलहाल बता रहा था कि कौन कौन से एप्लीकेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके अलावा और जो एप्लीकेशन है वो है हमारा वी रिकॉर्डिंग, डी यू रिकॉर्डिंग, जो जो भी है डी यू रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भी एक एप्लीकेशन आता है। तो दोस्तों जो एक और वीडियो सॉरी एक और एप्लीकेशन जो है वो वी रिकॉर्डर करके है, वी रिकॉर्डर जो मैं ऑलरेडी अभी यूज़ कर रहा हूँ, तो ये है दोस्तों। तो ऐसा आपके पास बहुत सारे एप्लीकेशंस है जिसको आप यूज़ करके हम लोग स्क्रीन को रिकॉर्ड कर सकते हैं बिना कोई भी रुकावट के, बिना कोई भी रुकावट के अच्छी क्वालिटी पे। हम लोग एक से बढ़ के एक हमारे पास आजकल स्क्रीन रिकॉर्डर आ चुका है, तो हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं और हम लोग अच्छे से स्क्रीन का या वीडियो रिकॉर्डिंग इस पर कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं सभी एप्लीकेशन का मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा कि हर एक एक एप्लीकेशन का कैसे सेटिंग्स होते हैं, कैसे रिकॉर्डिंग करते हैं, मैं इसका एक अलग से और वीडियो बना के ला रहा हूँ। तो प्लीज़ मेरे मेरा इस चैनल पे ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं आशा करता हूँ बेल आइकन पर आप क्लिक ज़रूर करेंगे ताकि मेरा नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और साथ ही साथ दोस्तों मैं और यहाँ पर बताने वाला हूँ कि हम लोग आगे बहुत सारे मैं एप्लीकेशन अभी यहाँ अपने एप्लीकेशन के यूज़ के बारे में वीडियो डालने वाला हूँ अपने इस चैनल पे। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए और मेरा हर वीडियो को आप देखिए ताकि आपको नए नए जानकारी मिलते रहे और आप भी उसको यूज़ करके एक अच्छा यूट्यूबर बन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।